ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज बहुत खुशी की बात है क्योंकि ज्ञान भाभी मस्जिद का जो सर्वे है वो पूरा हो गया। उसके उस सर्वे के मुताबिक हिंदू के जो वकील है उनका ये कहना है कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है और अलग अलग चैनलों के अलग अलग दावे हैं। कोई 12 फुट का बोल रहा है, कोई 16 फिट का बोल रहा है, तो सच्चाई क्या है ये तो बाद में पता चली जाएगी। लेकिन दावे के आधार पे वहाँ पे ज्योतिर्लिंग मिला है। तो ये ज्योतिर्लिंग अगर मिला है तो ये वही ज्योतिर्लिंग है जो भारत के 12 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी बाबा विश्वनाथ के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, जिनके हम दर्शन करने जाते हैं और जिनके दर्शन हम अभी तक करते आए हैं। वो किसी महारानी ने वो उस ज्योतिर्लिंग को वहाँ पे स्थापित किया है जिससे कि हम जिनके कि हम दर्शन उसी ज्योतिर्लिंग के नाम से करते हैं जो बाबा विश्वनाथ के थे। और असली बाबा विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग यही है जो अब मस्जिद के अंदर मिला है। यही वो ज्योतिर्लिंग है जो असली है। अब इसको अस्तित्व में अभी आने में कितना टाइम लगेगा, अभी उसका मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी हम भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द हमें उसके दर्शन करने का मौका मिले। और ये बात इसलिए भी अब साबित हो जाती है क्योंकि कुछ दिन पहले हम एक इंटरव्यू देख रहे थे वहाँ के मस्जिद के इमाम का, उन्होंने ये कहा था कि इस मस्जिद के अंदर कुछ सुरक्षाकर्मी, कुछ इलेक्ट्रीशियन, कुछ जरूरी के व्यक्ति ही वहाँ जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकते। इससे क्या साबित होता है कि कुछ तो वहाँ पे झोल था, कुछ तो गड़बड़ था, नहीं तो ये सब करने का कहने का क्या मतलब था। और इससे एक बात और साबित होती है कि हमारे देश में हमारे धार्मिक स्थलों को सबसे ज़्यादा नुकसान मुगल शासनकाल में हुआ है। अंग्रेजों ने भी किया, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे धार्मिक स्थलों को नुकसान मुगल शासनकाल में हुआ। अगर ऐसा नहीं होता तो हर जगह हमारे मस्जिदों के अंदर मंदिर क्यों मिले हैं? हर मस्जिद के अंदर मंदिर मिला है। आज हम अपने उसी खोए हुए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें हमारा वो अस्तित्व वापस मिले। और जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो आज सर्वे के आधार के मुताबिक वो ज्योतिर्लिंग, वो शिवलिंग है, तो वो ज्योतिर्लिंग है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और अब मैं लोगों को ये कहना, मेरे किसी को भड़काने का कोई इरादा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इससे एक बात तो तय है कि मुगल शासनकाल में हमारे देश के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। वो बात अलग है, दोगले तरह के कुछ हिंदू और कुछ जयचंद्र के औलाद जो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन हम ये बात सबूत के समित सबके सामने आ रही है। उसके बाद भी कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी के, सब चीज़ सामने आ रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है राम मंदिर, कि हमारे ये सारे मुगलों ने तो क्या है, तो फिर ये लोग क्यों इस तरह के जयचंदू के औलाद बन के बैठे हुए। और इन्हीं जयचंदू के औलाद के वजह से ही हमारे देश में अलग अलग समय पर लोगों ने राज किया है, हमें गुलाम बनाया है। लेकिन आज फिर भी हम कहेंगे खुशी की बात है कि हमारा अस्तित्व धीरे धीरे वापस आ रहा है। वो हिंदुत्व की पहचान है। इससे एक बात साबित होती है कि जगह जगह, अगर ऐसा नहीं तो हर जगह जहाँ पे भी है मंदिर है, हर जगह हमारी मूर्तियाँ हर खुदाई में हर सर्वे में सबूत के समय सामने आ रहा है, तो हिंदू भड़काने वाला कहाँ से हो गया? हर बार हिंदू को इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सिर्फ हमें खुशी इस बात की कि हमें हमारा अस्तित्व वापस मिल रहा है, तो हम वहाँ पे खुशी जताते हैं। तो तुम्हें अगर लगता है कि ये भड़काना है तो भड़काना सही, लेकिन मैं हिंदू को और सनातनी को एक बात कहना चाहूँगी, जितने भी हैं, भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही थे, वो कभी अशांति के पक्षधर नहीं थे, वो शांति के पक्षधर थे। सनातन हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। चीज़ों को शांति से लो, शांति, किसी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश मत करो, और इंतज़ार करो सही समय का, इंतज़ार करो कि ये ज्योतिर्लिंग कब तक अस्तित्व में आता है, कब तक हमें इसके दर्शन करने के का मौका मिलता है। और भगवान जी कभी अशांति अराजकता नहीं चाहते, इसलिए कोई ऐसा काम ना करें कि जिसके वजह से अशांति फैले, अराजकता फैले, एक दूसरे को भावनाओं को भड़का के। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम शांति का रास्ता अपनाएं जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। हमें जब हमारा अस्तित्व वापस मिल रहा है तो हम इंतज़ार करें सही समय का, न्याय का, अपने कोर्ट पे, अपने कानून पे हम भरोसा करें और अपने उस भगवान पे जो
किसी भी तरह से किसी न किसी तरह से अस्तित्व में आ रहे हैं, वो ही हमें हर जगह से बचाएंगे और वो हमें कभी गलत करने की प्रेरणा नहीं देते, वो हमें कभी गलत करने नहीं देंगे और ना उन्होंने कभी गलत किया। भगवान जी हमेशा सही के लिए दुनिया में आते हैं, सही के शांति के ही पक्ष रहे हैं, उन्होंने कभी गलत नहीं किया ना वो गलत संदेश देते हैं। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, अगर हमें इतनी खुशी मिली हम उनका अनुसरण करते तो हम अराजकता और शांति ना फैलाएं, हम सही समय का इंतजार करें ताकि हमें हमारा अस्तित्व बहुत जल्द वापस मिले और उसकी खुशी बढ़े, शांति से ही बढ़ेगी। हम अगर अशांति फैलाएंगे, अगर हम इधर की उधर दो की चार करेंगे दूसरों के भंगम, भगवान जी कभी दूसरों को चढ़ाने का काम नहीं करते, भगवान कभी दूसरों को मजाक नहीं बनाते, कभी दूसरों को जबरदस्ती उनके भावनाओं को भड़काने का काम कभी भगवान जी ये संदेश नहीं देते। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि देश पहले ही मुश्किलों में है और इन चीज़ों से और मुश्किलों में ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देश की नागरिक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हर महादेव, ओम नमः शिवाय।